बागपत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बागपत में युवती को कोल्हू के कढ़ाई में फेंकने का मामला। अस्पताल में पीड़ित से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का बयान, ये यूपी है, यहाँ दावे बहुत हैं लेकिन सच्चाई सबके सामने। बेटी 60% जल गई लेकिन वो बहादुर है, इंसाफ चाहती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आप देख रहे हैं। बागपत से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वहां की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहां के अधिकारी भ्रष्ट। चंद्रशेखर ने कहा, रिपोर्ट लिखने के बाद पीड़िता के भाई से मारपीट, SHO को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस लिखा जाए। चंद्रशेखर ने कहा, बेटी 60% चल गई लेकिन वो बहादुर है, इंसाफ चाहती है। वहां की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहां के अधिकारी भ्रष्ट है। बता दें बागपत जनपद के धरौरा सिल्वर नगर गांव स्थित था कोल्हू। ये इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से। बागपत में युवती को कोल्हू के कड़ाई में फेंकने का मामला। अस्पताल में पीड़ित से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। ये इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।